फ्रेंड्स, ये आज हम देख रहे हैं अक्स ऑटोमेशन की VC2108 मॉडल नोट काउंटिंग मशीन। आज इसको यूज करके देखेंगे कैसे वर्क करती है, क्या क्या फंक्शन है। बैक साइड से मशीन ऑन हो गई, ये हमारा डिस्प्ले आ गया। सबसे पहले काउंट करके देख लेते हैं, 50 नोट डाले मैंने, पूरे 50 काउंट कर दिए। रीचेक कर लेते हैं, ठीक, एक काउंटिंग हो गई हमारी, 50 नोट हो गए क्लियर। अब इसमें देख लेते हैं फंक्शन क्या क्या है। अब यहाँ देखेंगे आप, सबसे पहले यहाँ लाइट दी गई है MG1 की, MG2 की, UV की, ऐड की, बैच की, फेक की, ठीक। और यहाँ प्लस माइनस है, बैच बनाने के लिए प्लस माइनस की ज़रूरत पड़ती है तो बैच बना सकते हैं इसकी हेल्प से। ऐड ऑप्शन होता है, मतलब पैसे जोड़ते जाना है, उसके लिए ऐड मोड है। UV ऑफ और ऑन करने के लिए बटन दिया, फंक्शन बटन दिया गया है MG1 और MG2 को ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। अब समझ लेते हैं MG1 क्या होता है। MG1 होता है जो कि सेंसर होता है हमारा, मैग्नेटिक स्ट्रिप लाइन जो होती है उसको चेक करती है। MG2 भी वही सेम चीज़ होती है, बट ये फॉरनर करेंसी के लिए यूज होती है। अगर आप US डॉलर और बाहर की कोई करेंसी काउंट करते हैं तो उसके लिए MG2 पे रखेंगे मशीन, ठीक है। फंक्शन की दबाएंगे तो MG2 पे आ जाएगा। UV है, अल्ट्रा वायलेट चेक करता है, हर नोटों में होता है UV, UV सेंसर होता है, तो ये भी ऑन रखना है जब भी फेक नोट डिटेक्शन करना है। जब नहीं करना है तो ये दोनों को बंद कर देना फंक्शन की वजह से, की हेल्प से, और इसको यूवी की हेल्प से। ऐड ऑप्शन जब हम दबाएंगे तो ऐड की लाइट जल जाएगी, बैच दबाएंगे बैच की लाइट जल जाएगी, और जब भी कोई फेक नोट आएगा मशीन की लाइट जल जाएगी, साथ में मशीन बीप देने लगेगी, तो इससे आपको इंडिकेट हो जाएगा कि फेक नोट आया मशीन में। तो अब चलिए आगे का डेमो देख लेते हैं, ठीक। अभी मैं यहाँ नोट इंसर्ट करता हूँ, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 50 नोट हैं। तो सबसे पहले हम बैच देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ बैच दबाया तो बाय डिफ़ॉल्ट 100 का बैच आ जाएगा। यहाँ देखेंगे आप, बैच की लाइट जल गई, ठीक है। आप अगर हमारे पास तो 50 ही नोट हैं तो हमने 50 से कम के बैच बनाने हैं, तो 50 का आ गया सेकेंड टाइम दबाया, तो एक बार और दबाएंगे तो 20 का आ गया, ये 10 का आ गया। इसके अलावा मान लीजिए हमें 15 का बैच बनाना है तो हम प्लस की हेल्प से 15 सेट कर लेंगे, ठीक। अब 15 नोट छाटने के बाद मशीन रुक जाएगी। ये गड्डी पूरी 50 की है, 15 नोट आते ही, काउंट होते ही मशीन रुक गई, ये 15 नोट छाट दिए। इस 15 नोटों को हटाऊंगा तो ये अगले 15 काउंट कर देगी, तो ये मैंने 15 हटाए तो बाकी 15 काउंट किए। फिर से इसको हटाता हूँ, ठीक है, लास्ट में जितने नोट बचेंगे सब काउंट कर देगी। ये देखिए लास्ट में 5 नोट बचे थे तो 5 काउंट कर दिए। तो इस तरीके से आपके ये बैच बन जाता है। अब एक बार और क्लियर कर लेते हैं, आपको बैच बनाना है। अभी 100 नहीं है तो हमारे पास 50 ही नोट है तो 25 का बैच बनाते हैं। ये 20 आ गया, प्लस से 25 पे आ जाएंगे, ठीक। अब ये 50 नोट हैं तो 25-25 करके छाटेगी मशीन। ये फर्स्ट 25, ये हटाते ही सेकेंड 25, तो ये 25-25 के बैच बना दिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, इसको क्लियर करते हैं ऐड मोड पे। ऐड में क्या है, सम करती जाएगी। अभी ऐड की लाइट जल गई ऐड दबाते ही। अभी मैं देखिए 50 में से कुछ नोट पहले डालता हूँ एग्जांपल के लिए, तो कितने नोट है, 6। बाकी नोट डालता हूँ इसमें तो टोटल 50 काउंट कर देगी जोड़ के, ठीक। दोबारा डालूँगा तो 100 कर देगी। एक बार और डालूंगा तो 200 कर देगी। इस तरीके से जोड़ती जाती है मशीन। ये आपका बैच ऐड मोड हो गया। उसके बाद आते हैं फेक नोट डिटेक्शन कैसे करता है। सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं। ये मैंने नकली नोट लिया, 50 नोट के बीच में एक डाल दिया, टोटल 51 नोट हो गए। काउंटिंग पूरे 51 करेगी, लेकिन जहाँ भी नकली नोट आएगा मशीन स्टॉप हो जाएगा और आपका एरर कोड आ जाएगा स्क्रीन पर और बीप देने लगेगी, ठीक। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए नकली नोट आते हुए क्या क्या हुआ, बीप दे रही है मशीन आपकी कंटिन्यूस, एरर कोड बी आ गया, फेक नोट की लाइट जल गई, ठीक, फेक वाली लाइट जल गई आपकी। तो इससे इंडिकेट हो गया कि फेक नोट आएगा। फेक नोट कहाँ होगा, ये स्टैकर में, ये लास्ट नोट जो है आपका नकली नोट होगा। ध्यान से देखिए नकली नोट है, इसको साइड में कर लेते हैं। काउंटिंग पूरा करने के लिए रीसेट दबाएंगे तो टोटल ये काउंटिंग कर देगी। अभी 51 शो कर रहा है क्योंकि नकली नोट भी था, उसको भी काउंट मिल गया। इस नोट को निकालने के बाद रीचेक कर लेते हैं, अब 50 बताएगा ये, ठीक है। सॉरी, ये आपका ऐड मोड पे मशीन चल रही है, रीसेट से क्लियर कर देते हैं। अब दोबारा चेक करते हैं,
50 नोट बताया, अभी भी मशीन और ऐड पे ऑन है, इससे ऑफ करेंगे ऐड से ही, ठीक है। दोबारा हम चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से फेक नोट चेक कर लेते हैं। ये मैंने गड्डी में से एक नोट निकाल लेता हूँ इस बार, और ये नकली नोट डाल दिया। अभी भी 85 नोट है, काउंटिंग 85 करेगी लेकिन नकली नोट को रोक देगी। ये आपका नकली नोट है, ठीक है। नकली नोट आते ही फिर से वही इंडिकेट कर रहा है, बीप है, फेक नोट की लाइट जल रही है, एरर कोड। काउंटिंग पूरा करने के लिए रीसेट, ठीक। दोबारा रीचेक करेंगे तो 49 बताएगी, क्योंकि नकली नोट इस बार निकाल दिया, ठीक है। ये असली नोट डाल के मिला के काउंटिंग चेक कर लेते हैं, पूरे 50 नोट आ जाएंगे। अब आपको अगर नकली नोट नहीं चेक करना निकालना है, या उस स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको गले फले नोट होते हैं उनको भी मशीन रोकती है, जैसे पुराने नोट होते हैं सिल्वर लाइन वाले, तो उस टाइम अगर मशीन दिक्कत देती है, या फॉरनर करेंसी है जैसे नेपाल की है, बांग्लादेश की करेंसी है, तो उनको भी मशीन रोक देती है, क्योंकि उनकी मैग्नेटिक स्ट्रिप अलग होती है। तो आपको MG और UV ऑफ करना है, तो कैसे? पहले UV दबाएंगे, UV ऑफ हो गया, फंक्शन की से MG दबाएंगे तो MG2 पे चला जाएगा, एक बार और दबाएंगे तो MG2 भी ऑफ हो जाएगा। तो अब हम इसमें काउंट करेंगे तो नकली नोट नहीं रोकेगी, पूरे 51 नोट काउंट कर देगी, ठीक है। लेकिन आपको जब भी नकली नोट निकालना है, आपके पास बड़े नोट है, 500-2000 के ज़्यादा नोट है, तो आप हमेशा UV और फंक्शन की से MG ऑन करके रखिएगा। अब देखिए नकली नोट रोक देगी, ये नकली नोट आते ही रोक दिया, ये नकली नोट है, फेक की लाइट जल रही है और एरर कोड आ रहा है। काउंटिंग पूरा करने के लिए प्रेस करेंगे रिस्टार्ट। अब दोबारा से रीचेक कर लेते हैं, ये मशीन को ख़रीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल मिल जाएगी, सारी बाइंग डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप इंडिया में कहीं से भी हो, आप कॉल या व्हाट्सएप के जरिए भी मंगवा सकते हैं, आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, और ये मशीन अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो मिलती है अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।